देखो नारद बातों ने आए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? देवराज अब सिंहासन से गिर गए थे, अपना सिंहासन संभालिए। अच्छा प्रभु, ये क्या हो रहा है? महादेव के भक्त दानव सुर की तपस्या चरम पर है, उसके वरदान मांगने का समय आ गया है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है देवी। अरे चिंगू, ये राक्षस तो जाग ही नहीं रहा। अरे तो इसे जगाओ, इसकी तपस्या को बंद करो, नहीं तो ये देवताओं को तंग करेगा। क्या मतलब? अरे अरे अरे, मतलब के तबले बाद में बजा, पहले इसे उठा। मैं तो थक गया, अरे मुझे कोई तो भी गंगा जल पिला दो। गंगा जल? तू भांग पिएगा? भांग? हाँ भांग पिएगा। अरे तो फिर उठाओ, बाद में भांग पीना, उठाओ इसे। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम मेरे पीछे क्यों बैठे थे? अरे ओए झूलते झूले, मेरे प्रभु के चरणों को झूले, तू हमें ऐसे क्यों देख रहा है? मैं देख रहा हूँ इस बेचारे को कितना कष्ट दे रहे हो। ये मेरे भोले का भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो करने दो ना। अच्छा लो, कर लो बात। इधर आ, इधर आ, देख इसे ध्यान से देख, यदि कहीं इसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। हाँ मैंने सुना है ये भोलेनाथ को प्रसन्न करके देवताओं को परास्त करने का वरदान मांगने वाला है। फिर तो इसकी तपस्या भंग करनी ही होगी। तुम दोनों देख क्या रहे हो? अपना काम चालू रखो, मैं बैठ रहा हूँ। चिंगू, वो देख तुम्हारे परम मित्र। मेरे प्रभु नारद मुनि महागुणी, मेरे प्रभु। अरे मेरे प्रिय चिंगू। अरे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नारायण नारायण, आप तो सदैव समस्त देवी देवताओं की सहायता करते रहते हैं प्रभु। हाँ चिंगू महाराज, देवताओं की सहायता करने के लिए ही तो मैं इस ब्रह्मांड में हूँ। अभी अभी इंद्रदेव की सहायता करके आ रहा। जी प्रभु, क्या हुआ इंद्रदेव को? अरे अभी अभी वो अपने रथ पर बैठकर भ्रमण करने के लिए निकले कि अचानक मार्ग भटक गए, स्वर्ग लोक की जगह नरक लोक जाने लगे। मैंने कहा प्रभु उधर नहीं इधर, फिर मैंने बोला जिधर वो हो लिए उधर। हाँ तो प्रभु आप भी चलो इधर। किधर? सुर राक्षस को जगाने के लिए प्रभु। सुर राक्षस को जगाना है? चलो नारायण नारायण। इनको जगाना कौन सी बड़ी बात है चिंगू, पीछे हटो। मान्यवर उठिए। उठिए।
बजाओ। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे अरे अरे, क्या हुआ तलवार चालक बालक, चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ले जगा रहे। अगर क्यों? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। चिंगुआ मैंने क्यों जगाया? वो क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। अब तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो, बताओ। क्योंकि हमारे स्वामी भगवान शिव को प्रसन्न करके सभी देवताओं को भस्म करने का वरदान लेकर इंद्रलोक प्राप्त करेंगे और सुंदर अति सुंदर पार्वती को भी प्राप्त करेंगे। पार्वती माते, माता पार्वती, माते पार्वती कहाँ है? क्या हुआ नारद? प्रणाम माते। अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ माते, हुआ यूं कि क्या वो सूर राक्षस वरदान में मुझे मांगने वाला है? नहीं मांगने वाला है? नहीं नहीं मांगने वाला, मैं बोल रहा हूँ मांगने वाला है। और यदि भोलेनाथ ने दे दिया उसे वरदान तो देवताओं का हो जाएगा कल्याण। हम उस सूर राक्षस की तपस्या भंग कर दे तो? सारे प्रयत्न करके देख लिए माते, हमने गाना गाया, नाच भी नचाया, उसको गुदगुदाया, परंतु वो फिर भी अपने ध्यान से बाहर नहीं आया। नारद आप तो महागुणी हैं, आप कोई उपाय ढूंढिए ना। उपाय 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 उपाय, हाँ आ गया उपाय। क्या? माते भोलेनाथ के वरदान से हमें एक ही देव बचा सकते हैं। कौन? स्वयं भोलेनाथ। डम डमाक डम डम रू बाजे, बम 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 भोले विराजे। भोलेनाथ महादेव लगता है समाधि में लीन है, अगर इस समय मैंने इन्हें जगाया तो कहीं ये अपना त्रिनेत्र खोलकर कामदेव की तरह मुझे ही भस्म ना कर दें, फिर मैं तो किसी काम का ही नहीं रहूंगा। क्या करूं क्या? प्रणाम माते। माते भोलेनाथ को जगाना मेरे बस की बात नहीं है, आप रोकिए प्रभु को। भोलेनाथ मेरी बात कब सुनते हैं? वो तो समाधि में बैठ जाए तो कई वर्ष तक नहीं जागते। माते यदि आज नहीं जागे तो न जाने क्या होगा आगे, मुझे तो अभी से दिखाई दे रहा है। देवता आगे आगे, दानव पीछे पीछे, देवता आगे आगे, दानव पीछे पीछे, कुछ करिए माते। ओम नमः शिवाय। नारद एक काम करो। आज्ञा माते। जाओ। जो आज्ञा। अरे यहाँ नहीं, भोलेनाथ के पास जाओ। माते आप जानबूझकर मुझे क्यों अग्नि में डालने की बात कर रही हैं? अगर मैं चला गया भोलेनाथ, अरे आपको भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं क्या? मैं तो आंखें बंद करूं तब भी वो दिखाई देते हैं। माते आंखें खोलकर एक बार देखिए, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए? आपको दिखाई दे रहे नहीं। तो फिर कहाँ गए भोलेनाथ? ओम नमः शिवाय। कहीं वो तो राक्षस को वरदान देने तो नहीं चले गए? माते यदि ऐसा हुआ तो आपका कैलाश पर शासन और इंद्रदेव का आसन दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। पशुपति आप ये क्या करने जा रहे हैं? अपने भक्त को वरदान दे रहा हूँ देवी। आपको पता है ये राक्षस वरदान में क्या मांगने वाला है? भला मुझे कैसे पता होगा देवी, परंतु इसे इसकी तपस्या का फल मिलना ही चाहिए। परंतु किंतु प्रभु। नारद आप भक्त और भगवान के बीच में आने का प्रयास ना करें। उठो सुर जागो। प्रभु भोलेनाथ, प्रभु भोलेनाथ। उठो भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं भस्म हो जाऊं।
वरदान देने से पहले सोच लीजिए। सोच लिया। सुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हें मुंह मांगा वर देता हूं। तथास, तथास, तथास। प्रभु, मुझे ये चाहिए। ले जाओ। दिया, नारद तुम्हें दिया। मैं नारद नहीं, मुझे आपकी अति सुंदर पत्नी पार्वती चारवती। भस्मासुर, यदि आपने मुझे रोका तो मैं आपके सिर पर हाथ रख दूंगा। प्रभु, चलिए। भस्मासुर, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ हट जाओ नारद। नहीं भस्मासुर, भोलेनाथ तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरे मृत शरीर के ऊपर से जाना होगा। नारद हट जाओ, मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। नारद, नारद, नारद। अरे देखो नारद, बातू नहीं आए। पिताश्री, पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। क्या हुआ नारद श्री? पिताश्री मुझे बचाइए, भस्मासुर मेरे पीछे पड़ा हुआ है पिताश्री। अरे वाह, ये अपने आप कैसे बजने लगी? माते आप? अरे छोड़िए अपनी वीणा और सुनिए मेरी पीड़ा। पिताश्री, पिताश्री, भस्मासुर मेरे पीछे पड़ा है, बचने का कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा के पास हर मुसीबत का उपाय है। जय हो पिताश्री, जय हो। जल्दी बताइए, भोलेनाथ के पास जाइए। पिताश्री अपने सुपुत्र को ऐसे ना सताइए, भोलेनाथ के कारण ही तो ये मुसीबत हमारे गले पड़ी है। मतलब? अरे भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके भी सर पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। क्या पिताश्री, अगर उसने आपके सर पर हाथ रख दिया ना तो आप भी भस्म हो जाएंगे। तो क्या करें? क्या करें, क्या करें? भागो! प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु, मेरा सिंहासन बचा लीजिए प्रभु, ताकि मैं कह सकूं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु, सर्वप्रथम देवी पार्वती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाइए, ये अति आवश्यक है। प्रभु, जब से भस्मासुर को भोलेनाथ का वरदान मिला है तब से वो अति शक्तिशाली हो गया है, और चारों दिशाओं में कोई सी भी ऐसी दिशा नहीं जो असुरक्षित ना हो। नारद, शांत, शांत नारद। आज से पहले मैंने अपने जीवन में अपने से छोटा किसी को नहीं देखा प्रभु। शंखदेव, देवी पार्वती को सीप में सुरक्षित स्थान पर छिपा दीजिए। हाँ, ये अच्छा उपाय है। भस्मासुर इसी तरफ आ रहा है, अब मैं क्या करूं? प्रभु, ये अच्छा है। अरे क्या अच्छा है प्रभु? जब देखो अच्छा अच्छा इसमें अच्छी बात क्या है ये बताइए आप। प्रभु, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, ये सभी देवता किसके डर से भाग रहे हैं? मेरे डर से। क्यों? देखना चाहोगे? हाँ। किंतु देख नहीं पाओगे। क्यों?
कौन हो तुम? मोहिनी। मोहिनी, नाम सुनते ही मन मनमोहक हो उठा। और आप कौन है? मैं भस्मासुर, देवताओं का काल, उनका सर्वनाश। मुझसे विवाह करोगी? क्या? हाँ मृगनयनी, तुम्हारी ये कटीली आंखें, ये गुलाबी होठ और काले घने बादल जैसे बाह, और तुम्हारा ये रूप, तुमने मेरा मन मोह लिया मोहिनी। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। किंतु आप तो पार्वती को पाना चाहते हैं ना? हाँ वो भी चाहिए, किंतु तुम उससे अधिक सुंदर हो। अच्छा तो तुम मुझे पाना चाहते हो ना? हाँ हाँ। तो फिर मुझसे नृत्य में जीत कर दिखाओ, तो मैं तुम्हारी। नृत्य? मैं नृत्य नहीं कर सकता, मैं युद्ध करना जानता हूँ। अरे भस्मासुर जी, भस्मासुर जी एक क्षण। प्रणाम देवी, इधर आइए। मोहिनी ऐसे मोहित नहीं होगी। अरे इस पुष्प की दशा देखिए, आपके चेहरे से अधिक मुरझाया हुआ। नहीं, मैं कह रहा था कि स्त्री को मोहित करने के लिए नृत्य आना जरूरी है। आप दानव, यही तो एक कमी है। हम देवों को देखिए कितना अच्छा नृत्य करते हैं। मैं सिखाऊंगा आपको। मोहिनी से कह दीजिए कि कल होगा सामना भस्मासुर और मोहिनी का। बोल दीजिए। मोहिनी, भस्मासुर का मन अगर किसी पर आ जाता तो वो उसे पाकर ही रहता है। ठीक है, तो कल स्वर्ग लोक में आ जाना। स्वर्ग में आकर तुम्हें जीत कर ले जाऊंगा। ऐसा विचित्र क्यों हंसते हो? तो कैसे हंसूं? महाराज, नारद बातू नहीं आए। भस्मासुर जी, यदि आपको मोहिनी को मोहित करना है और नृत्य में उसका सामना करना है तो आपको नृत्य आना अति आवश्यक है। और आपको नृत्य सिखाएंगे हमारे नृत्य सम्राट चिंगू महाराज। स्वर्ग की सारी अप्सराओं को इन्होंने ही नृत्य सिखाया है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य में निपुण है। तो चिंगू महाराज जी, प्रभु प्रारंभ कीजिए। क्यों आज्ञा प्रभु। अरे चिंगू महाराज बस भी कीजिए, भस्मासुर को भी तो कुछ करने दीजिए। मित्र भस्मासुर प्रारंभ कीजिए। नहीं 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 नहीं, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रारंभ कीजिए, नृत्य कीजिए। आ रहा है, आ रहा है। कौन आ रहा है? नृत्य, आपको नृत्य आ रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे कीजिए वरना आपके पैर में मोच आ जाएगी और मोहिनी हाथ से जाएगी। चलिए प्रारंभ कीजिए।
अच्छा है। कौन है ये? मोहिनी। मुझे तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। वो तो मुझे भी ज्ञात है, परंतु आज से पूर्व इसे देखा नहीं। देवराज तो आज देख लीजिए। हाँ हाँ। उत्तम नारायण 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 महादेव पिताश्री माते स्वर्गलोक की अप्सरा बनोगी? प्रभु नारायण 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 प्रणाम प्रभु। ये सब लीला नारद की है? नारद का तो काम ही है समस्याएं खड़ी करना। क्या आवश्यकता थी उस भस्मासुर को नृत्य के लिए उकसाने की? देवराज इंद्र, इंद्रासन बचाने के लिए किया है मैंने सब। यदि भस्मासुर के मन में देवी पार्वती के प्रति लालसा ना जागती तो क्या वो तप करता? यदि वो तप ना करता तो क्या महादेव उस पर प्रसन्न होकर उसे वरदान देते? और यदि भस्म ना होता इंद्रदेव, उस स्वर्ग के द्वार पर आकर आक्रमण कर देता? और ये तो आप ना चाहते इंद्रदेव, है ना? परंतु उसे वरदान मिला और प्रभु नारायण ने मोहिनी स्वरूप धरकर उस भस्मासुर को भस्म कर दिया। भस्मासुर को भस्म करने का श्रेय आपको भी जाता है और आपकी बुद्धि से मेरे मोहिनी स्वरूप का भी अवतार हो गया और देवराज इंद्र का इंद्रासन भी बच गया। जी पिताश्री, परंतु प्रभु अब तो माता पार्वती को बुला लीजिए। अवश्य नारद। शंख, प्रणाम माता पार्वती। आभार प्रभु। आभार मुझे नहीं नारद को कीजिए। भस्मासुर नहीं रहे। हाँ देवी, यदि भस्मासुर ने अपने वरदान का सदुपयोग किया होता तो यह अच्छी बात थी, परंतु झूठी सोच का परिणाम झूठा ही होता है। और इसलिए तो कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। और कर्म का फल सदैव मिलता ही है। बोलो भगवान नारायण की जय। इसीलिए तो मैं कहता हूँ नारद मुनि महामुनि। अरे देखो नारद बातुनी आए, देखो नारद बातुनी आए, देखो नारद बातुनी आए।